बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। बिहार की माटी के लाल हैं। उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस अधिकारी हैं। नाम है रविंद्र कुमार। बिहार के लाल और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रविंद्र कुमार देश के पहले आईएएस हो गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दूसरी बार फतह हासिल की है। आईएएस रविंद्र कुमार बिहार के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के बसही गांव निवासी शिव नंदन प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। इससे पहले उन्होंने साल 2011 में आईएएस बनने के दो साल बाद साल 2013 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने की सूचना उन्होंने ट्वीट करके दी है। रविंद्र कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के बसही गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय में हुई, उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची के जवाहर विद्या मंदिर सहित कई विद्यालयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अभी रविंद्र कुमार उत्तर प्रदेश में एक सफल आईएएस अधिकारी है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को फतह करना आसान नहीं होता है और एक आईएएस अधिकारी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने पैशन को भी पूरा करना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। आईएएस रविंद्र कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया है। इसके साथ बता दिया है कि अगर बात को ठान ली जाए, अगर अपनी चाहत पर पूरी मेहनत से काम किया जाए तो वो काम जरूर पूरा होता है। रविंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट की अपनी यात्रा के रोमांच को पुस्तक का रूप प्रदान करते हुए मेनी एवरेस्ट नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में सपनों की हकीकत में बदलने की यात्रा का जिक्र करने के साथ साथ यात्रा की जानकारी और परेशानी का भी जिक्र किया है। पुस्तक का विमोचन साल 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया गया था। फिलहाल बेगूसराय के लोगों में रविंद्र कुमार की सफलता के बाद से उत्साह की लहर है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।